गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी नमस्कार। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होगा सोमललित कॉलेज ब्लॉग। सो सोमललित कॉलेज अहमदाबाद में है और वो गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। और सोमललित में बीकॉम होता है, बीबीए होता है, एमबीए होता है और बीसीए होता है। एंड एमबीए में आप लोग के पास 3 ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। एक होता है रेगुलर एमबीए, इन दैट आप लोग 1 साल रेगुलर एमबीए स्टडी करेंगे एंड इन द सेकेंड ईयर यू हैव एन ऑप्शन टू चूज फॉर योर स्पेशलाइजेशन विच इज़ इन फाइनेंस और मार्केटिंग। एंड दूसरा होता है कि एमबीए इन फाइनेंस एंड तीसरा जो होता है वो होता है एमबीए इन आईटी। सो एमबीए इन आईटी अभी नया ही है, उसको अभी मीन्स कोर्स को लॉन्च हुए हुए भी बहुत ही कम इयर्स हुए, आई गेस 2-3 साल ही हुए हैं और सोमललित में वो लास्ट 1-2 साल से ही है। एंड बाकी के सारे आप लोग सोमललित कॉलेज का व्लॉग आगे देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस ये है हमारी सोमललित कॉलेज और ये जो हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं वो है कार का पार्किंग एरिया। और अभी मैं आपको पीछे का भी सब बताती हूँ, मेरे साथ आ जाओ। चलो चलो, तो ये लोग आने जाने यहाँ पे भी खड़े हैं हमारे मैच देखने। और यहाँ पर सब अगर किसी का पास हो तो यहाँ पर चिप्स भी मिलती है, चॉकलेट है और काफी सारी अलग अलग ड्रिंक्स है। सो अभी अंकल आपका नाम क्या है? सो अंकल का नाम है प्रफुल भाई पटेल, जो काफी अच्छे हमें समोसे और ये पफ बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल करके देते हैं कैंटीन में। सो यहाँ हम लोग प्रफुल भाई अंकल को थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि ये हमें कॉलेज के टाइम में काफी अच्छे समोसे और ये पफ अवेलेबल करते हैं जो कि अभी बहुत पसंद है खाने में। और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी अलग अलग टेबल्स भी है जो हम लोग हमारे लिफ्ट वाले भैया, आपका नाम बताओ प्लीज। शुभम।
शुभम है भैया का नाम. सो ये हमें मोस्टली लिफ्ट में ऊपर नीचे लेके जाते हैं. ये काफी अच्छी से हमें सेवा देते हैं लिफ्ट की. ये प्राची को इन लोगों ने लिफ्ट से बाहर निकाले. ओके. सो अभी मैं आप लोगों को मेरा क्लासरूम बताती हूँ. मेरी फ्रेंड्स है मैत्री, प्राची, और उसके बाद जो हमको
हमको डिसाइड करना होता है कि हमको कौन से फील्ड में जाना है। और अभी आप सोमनाथ में पढ़ रहे हो तो इधर MBA जनरल के बाद कौन से दो मीन्स फील्ड आप चूज कर सकते हो? इन सोमनाथ पर्टिकुलरली हमारे पास दो ही ऑप्शन रहता है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो मैं अभी तो जनरल में ही सब सब सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट आई विल डेफिनेटली गो फॉर फाइनेंस। ओके, सो शी इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस क्योंकि इसने अभी रेगुलर में पढ़ा और अभी इसको इंटरेस्ट आ रहा है फाइनेंस में, तो उस हिसाब से ये फाइनेंस में जाना चाहती है। सो थैंक यू जानवी। थैंक यू निकिता। थैंक यू गाइस। सो अभी मैं आपको सोमनाथ कॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलाना चाहती हूँ, वो है ये हितेश सर, क्योंकि हितेश सर कॉलेज के स्टूडेंट्स के सारे डाउट सॉल्व करते हैं। जितने भी फैकल्टी का जो भी मतलब टेंटेबल इश्यूज होता है, स्टूडेंट्स का जितना भी इश्यूज होता है, वो सब हितेश सर ही संभालते हैं। सो हितेश सर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। सो यार हितेश सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आप जितना भी सोमनाथ में करते हैं। और आप कितने टाइम से तो सोमनाथ में वर्क करते हैं? ओके, सो हितेश सर 11 इयर्स से इधर काम करते हैं। सो आपको मतलब MBA, BCom, BBA, MCA, BCA में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है हैंडल करना? MBA उनको सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू हितेश सर। मिलाना चाहती हूँ भाविक से, जो कि हमारे क्लास का CR है, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्लास की जितनी भी सारी इश्यूज होती है या टीचर से कुछ भी हमें बात करनी होती है, वो सारी हम लोग भाविक के थ्रू करते हैं। सो भाविक, आपको कैसे लगा कि आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, या मीन सब कैसे आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने? क्योंकि एक जो बच्चा था वो पहले CR था, उसने रिजाइन कर दिया, तो फिर करना कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, तो फिर मैं बन पाया, तो अच्छा लगा। ओके, सो और भाविक के पास तो काफी ज्यादा ड्यूटीज होती है करने को, तो आप बता सकते हो कि आपको आफ्टर कॉलेज भी क्या क्या ड्यूटीज करनी पड़ती है? कॉलेज भी बहुत सारी ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे कि सारे बच्चों के अटेंडेंस भी लेने पड़ते हैं कभी कभी, और सब असाइनमेंट भी कलेक्ट करके फिर मैम को देना पड़ता है, मैम से बात करनी पड़ती है कि क्या लेक्चर है, कौन से अगले लेक्चर में क्या करना पड़ता है। ओके, सो इट्स लाइक इन शॉर्ट भाविक का मतलब हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कनेक्टर है। तो हम लोग एक्चुअली थैंक यू है भाविक का, क्योंकि वो काफी मींस हम लोग को अच्छे से रिप्लाई करता है, कभी गुस्सा नहीं करता हमारे पे। दूसरे क्लास के CR बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भाविक कभी भी गुस्सा नहीं करता है, हमेशा ग्रुप में अच्छे से रिप्लाई करता है और कभी भी मूड जवाब नहीं होता है भाविक के। मीन्स थैंक यू भाविक। Thank you guys for watching my video, and please do subscribe if you are new to my channel, and thank you to all my friends who were there in the video with me and who helped me in the shooting the video. Thank you guys.